नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार आप सभी का स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल सनराइज ऑफिशियल के ऊपर। मेरे दोस्त, जैसे कि आप लोगों को पता होगा मेरे दोस्त, प्राचीन भारतीय इतिहास चला हुआ था, तो आज जो मैं शुरुआत करने वाला हूँ मध्यकालीन भारतीय इतिहास की, तो मध्यकालीन भारतीय इतिहास शुरू करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण शब्द लेकर के चलते हैं। तो यहाँ से मेरे दोस्त एक शब्द निकल करके आता है और वो शब्द जो आते हैं ना वो बड़े इंपॉर्टेंट शब्द हैं, तो याद रखना वो कौन कौन से शब्द निकलेंगे, वो कौन कौन से शब्द ना निकलेंगे, महत्वपूर्ण शब्द आते हैं। तो सबसे पहला जो शब्द आता है उस शब्द का नाम पड़ता है मेरे दोस्त क्या, काफिर पड़ता है। आपको मध्यकालीन भारतीय इतिहास के अंदर इस शब्द के बारे में मालूम होना चाहिए कि इस काफिर का मतलब क्या होता है, क्या ना होता है। कहीं पर भी आपसे पूछ लेगा, कहीं पर भी काफिर लिखा मिले ना, तो इसका मतलब होता है मेरे दोस्त क्या, ईश्वर में विश्वास न करने वाला। तो यहां से इस बात को याद रखना है कि काफिर का जो मतलब होता है, इस काफिर का मतलब होता है मेरे दोस्त क्या होता है, ईश्वर में विश्वास न करने वाला होता है। इसके बाद जो आपको दूसरा शब्द याद रखना है, पहला काफिर लिखवाया, इसके बाद दूसरा याद रखना है, उस शब्द का नाम पड़ता है उल्लेमा। तो आपको दूसरा शब्द दो लेकर के चलना है, उसका नाम पड़ता है उल्लेमा, और इस उल्लेमा का जो मतलब होता है, इसका मतलब होता है मेरे दोस्त क्या, धार्मिक गुरु होता है। तो यहां से इस बात को याद रखना, उल्लेमा का जो मतलब होता है, इस उल्लेमा का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है मेरे दोस्त क्या होता है, धार्मिक गुरु होता है। इसके बाद जो तीसरा शब्द आता है, उस तीसरे शब्द का नाम पड़ता है मेरे दोस्त क्या पड़ता है, शरीयत पड़ता है। तो यहां से तीसरा शब्द जो आया उसका नाम पड़ता है शरीयत पड़ता है, और इस शरीयत का मतलब होता है मेरे दोस्त क्या होता है, इस्लामिक कानून होता है। तो यहां से इस बात को याद रखना है कि शरीयत का जो मतलब होता है, इस शरीयत का मतलब क्या होता है, इस्लामिक कानून होता है। मैंने तीन शब्द लिखवाए, पहला काफिर का मतलब क्या होता है, ईश्वर में विश्वास न रखने वाला, दूसरा बताया उल्लेमा का मतलब होता है धार्मिक गुरु, तीसरा बताया शरीयत, इस शरीयत का मतलब होता है मेरे दोस्त क्या, इस्लामिक कानून होता है। इसके बाद जो आपको चौथा याद रखना है, उस चौथे का नाम पड़ता है मेरे दोस्त क्या, हातिम द्वितीय। तो चौथा शब्द जो आपको याद रखना है, उस चौथे शब्द का मतलब बताना है आपको, हातिम द्वितीय। इस हातिम द्वितीय का मतलब होता है दूसरे का दुख दर्द समझना। तो यहां से आपको याद रखना, इस हातिम द्वितीय का मतलब क्या होता है, दूसरे का दुख दर्द समझना होता है। इसके बाद जो पांचवा नंबर आता है, वो पांचवा नंबर आता है मेरे दोस्त किसका, काजी। ये क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जामों के अंदर सीधा ये मिलेगा कि काजी का मतलब क्या होता है, इस काजी का मतलब होता है मेरे दोस्त क्या होता है, धार्मिक जज होता है। तो धर्म का जो जज होता है उस जज को क्या कहा जाता है, काजी कहा जाता है। पहले यही नाम आते थे, आज के टाइम में जज बोल देते, धार्मिक जज जो होते थे उनको पहले काजी बोल दे दिया जाता था। दूसरों का दुख दर्द जो समझता था पहले के समय, उसको हातिम द्वितीय बोल दिया जाता था। इसके बाद छठवां नंबर जो आता है, वो छठवां नंबर लिखना है मेरे दोस्त क्या, गाजी। और इस गाजी का जो मतलब होता है, इस गाजी का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है हमेशा जीतने वाला। तो यहां से इस बात को याद रखना, गाजी का मतलब होता है हमेशा जीतने वाला होता है। ये पांचवां छठवां नंबर जो आता है गाजी का आता है, गाजी का मतलब क्या होता है, हमेशा जीतने। इसके बाद जो सातवें नंबर पर आता है उसका नाम पड़ता है मेरे दोस्त क्या पड़ता है, खलीफा पड़ता है। और इस खलीफा का जो मतलब जो होता है ना, इसका मतलब होता है धार्मिक प्रमुख होता है। तो यहां से मेरे दोस्त आपको क्या याद रखना है, इस खलीफा का मतलब याद रखना है, इसका मतलब होता है धार्मिक प्रमुख या होता है। तो आज की इस वीडियो के अंदर मेरे दोस्त इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो अपने यूट्यूब चैनल सनराइज ऑफिशियल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।